तो न्यू फैमिली मेंबर घर का सत्यम, ये कौन है? इसका नाम क्या है? नाम बता दे। वो सो रहा है, वो इसके लिए कम्बल लेके आया। उससे कम्बल लेके आऊं? और तू का लेके आया सो? चदरा। तू चदरा लेके आ और सत्यम कम्बल लेके। चल थोड़ा खा ले, अच्छा लग रहा है। भैंस बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के मैंने गाय अभी छह। पापा हाँ, हर का छोटा बछड़ा भी आ जा रहा है भाई। घर में अभी सत्यम जो दो तीन चक्कर मार के आया। पापा हाँ, हर का छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा आ गया? कहाँ पे आ गया? वो बछिया है। बछिया है? हम बाबा बा कहीं दूध का ले पलट्टा का। अच्छा पलट्टा का गाय। तो हमारी जो है भैंसिया पे आ गई है, तो सत्यम वही देख के आया दोनों भाई। मुझे लग रही काफी। तो गाइस सुबह सुबह देखो सत्यम आज है ना कम से कम 10 चक्कर मार के आ गया घेर में, और 10 ही चक्कर गए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मुझे जगाने के लिए। भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से नींद आ रही, फिर भी ये नहीं माना। और आखिरकार सत्यम ने मुझे उठा के बोला कि पापा चलो। और एक वो भी आ गया, बाहर में दिखाता हूँ। तो ये आ गया सो, ये भी दोस्तों घेर से ही आ रहा है। हाँ बेटा तुमने नहल गया? मैंने नहीं यार, मौत हो यार। मैंने मैंने तुमने तो अब कच्चा कहाँ चले बताओ? घेर में। घेर में चले? सत्यम का हाथ नहीं पकड़ रहा, देखो मेरा हाथ पकड़ लिया। गाय सत्यम को देखो सुबह सुबह बहुत जल्दी। मुझे आँख बंद कर लो। चल मैं आँख बंद करता हूँ। सोम तू भी आँख बंद कर ले, जल्दी कर ले। हाँ तुम आँख बंद कर लो। मैं भी आँख बंद कर, चल मैं आँख बंद कर लेता हूँ फिर चलूंगा। ओ भाई क्या दिखा रहा है? सरप्राइज। अरे सरप्राइज दिखा रहा है, देखो पकड़ पकड़ के ले जा रहा है दोनों भाई मुझे सुबह से भाई चक्कर पे चक्कर। हाँ ओ भाई ये क्या होते हो? गंदगी है भाई। मम्मी 10 चक्कर मारते सुबह से कम। देखो चलो पापा जल्दी, चलो पापा जल्दी जगा जगा के, जगा के जाके। सत्यम ये क्या है मालूम है? कले जाए तुम देख लिया? सोन तू भी आ जा, तुझे दिखाऊं। आ जल्दी 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 जल्दी। गाय ये आ चुका है हमारा न्यू फैमिली मेंबर घर का सत्यम। ये कौन है? इसका नाम क्या है? नाम बता। मुन्ना नाम इसका। इसका मुन्ना नाम है। एक तो हो गया सत्यम, एक हो गया सॉरी, ये हो गया मुन्ना। इसका नाम मुन्ना है। ये भी इतवारी है और ये भी इतवारी है। ये भाई है तेरा छोटा है सो। ये हमारा पटरा जो कि सत्यम का जो छोटा भाई है, और एक सोम है, ये तीसरा नंबर का है। सत्यम जो बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। पापा आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, मैंने क्या दिखाएगा कि चलो पढ़िया। और ये बोरी बेला। तो गाय ये हमारी बेला, इसका नाम बेला है। मम्मी जी ने बेला नाम रख दिया। सत्यम ये नहीं मारती है पुचकाल। इसका नाम है बेला, इसका नाम है चेला। ये इसकी बेटी का नाम लक्ष्मी। सभी के गाय नाम रख दिए हमने घर में, अलग अलग नाम है सभी के। जो सभी के नाम रखती रहती है यहाँ पर। किसी का नाम, इसका नाम सौम्या है, इसका नाम बेला है, ये गुड्डो है, और ये सत्यम, ये इसका नाम मुन्ना इतवारी है। अब देखो इसी से खेलेगा। मम्मी क्या चक्कर मारो सब? इतने कोई गिनती ना है। कितने चक्कर मार गए? 10। स्कूल जाओगे? क्यों अब नहीं जाएगा भैया स्कूल? अब तक अपने मुन्ना भाई के साथ खेलेगा। तो गए सोम भी आ चुका है देखने के लिए। ये रहा तुम्हारा छोटा भाई। हाँ अच्छा सत्यम तो गए पूरे घेर में भाग रहा है इधर उधर। देख देख छोटा भाई आ गया सोम। देखिए ये भी देख रहा है, देखिए मुन्ना को। मुन्ना दे लल्ला को देखा, हाथ लगा दो। पुचका ले पुचका। वो सो रहा है वो गाय, अभी जो दूध पी के आराम से सो रहा है, वो थोड़ा कपकपा भी रहा है। सत्यम कप कैसे रहा? देखिए इसको ठंड लग रही है। देख इसके लिए कम्बल लेके आ। उससे कम्बल लेके आऊं? और तू का लेके आएगा सो? चदरा। तू चदरा लेके आ और सत्यम कम्बल लेके आवा। दोनों भाई लेके आ। गद्दा? हाँ गद्दा भी लेके आ। और रजाई? रजाई ले आए? ठीक है चल ले दोनों भाई जाओ। सुबह से जो मम्मी ढेर सारा काम कर रही है घेर में, देख सकते हैं साफ सफाई, ये पूरा जो साफ किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये जो ईंट लगाई है भाई, गांव में आप लोग देख सकते हैं यही है काम धंधा, भैंस पोएगा सभी करना, सुबह उठना और फिर घेर में आया। और गाइस शहर का क्या माहौल है मैं आपको बताऊँ। बस शहर में बस अपना उठना, नहाना धोना और बस खाना पीना, और बस भैया अपने
ब्लॉग बनाना आराम से शहर का, और गांव का ब्लॉग आप लोग देखते हो, खेतों में जाओ, खेतों का ब्लॉग देखो, गांव का ब्लॉग देखो, हमारे पशुओं का ब्लॉग देखो, और शुभम को भी देखो, शुभम देखो फर्स्ट पर चक्कर मार के, राधे 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 राधे। तो गाय गांव में और देहात में गाय बहुत ज़्यादा अंतर होता है भाई, शहर के लोग जो है गाँव में बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है। अभी तो मौसम काफ़ी बढ़िया है, काम धंधा सुबह से उठ के आना। शहर के लोग तो गाय 10-10 बजे उठते हैं कम से कम, 11-11 बजे, और गांव के लोग 5 बजे उठ जाते हैं सानी लगाने के लिए, और 4 बजे उठ जाते हैं भाई। और बाजी बाजी जगह तो ना है, 4 बजे दूध भी कट जाता है, और हमारा सोम भी देखो जल्दी उठ जाता है। सोम सत्यम गाय दोनों जल्दी उठ जाते हैं। अब गाय हमारी बेला का नंबर है, मुन्ना तो आ चुका है सत्यम का, अब सोम की वो आएगी गौरी। अब जो है सोम जो है घर भागने की कोशिश कर रहा है, बहुत देर हो गई, और सत्यम देखो फिर से आ गया, 2-3 चक्कर मारे। कहाँ गए थे अभी? हमने अपने पैर में इतनी भयंकर वाली चोट मार ली है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस वजह से इसमें कच्चा नहीं। हाँ गोदी ले लो, गोदी अब दे, ये भी आ रहा गोदी, लल्ला भी गोदी आ रहा है। अच्छा ये बता छोटा कौन है? छोटा लबड़ू है, लबड़ी लबड़ू कौन है? गाइस गाइस देखो दोनों भाई लथ गए, एक गोदी में लथ गया, एक पिट्ठी में लथ गया। बाहर उतार देता हूँ, बाहर लल्ला ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और देखो पापा जी वो काट रहे हैं यार भाई, जो पूरा खेत गीला है और रास्ता भी गीला है, देखो वो काट रहे हैं, सामने देख सकते हैं बाजरा। मेरा मन तो कर रहा है जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं भाई, गीला बहुत ज़्यादा खेत है, फिर जो है मुझको नहाना भी पड़ेगा, तो चलो मैं देखता हूं। वैसे पापा जी बोले कि मैं लेके आ जाऊंगा, कोई मत आना। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं अभी खेत पे, और भाई खेत है ना काफ़ी ज़्यादा देखो गीला है, और इसके अंदर देखो बाजरा था ना वो तो ऊपर से बंडा बंडा कर दिया, पूरा खा लिया, देखो ये देख रहे हो ये जो पूरा है बंडा बंडा करके सब खा लिया पूरा खेत जो है। तो मैं जा रहा हूँ नहर उठाने के लिए, पापा जी आ चुके खेत पे, वो सामने काट रहे हैं, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और भाई मौसम भी हो रहा है बारिश वाला, जल्दी से जो है नहर तो कट चुका है यहाँ पर खेत में, और हल्की हल्की बूंद भी आ चुकी है। ये जो छोटा नहर हमने काट लिया बांध दिया है, और ये बड़ा नहर जो पापा जी यहाँ पर काट रहे हैं इसको मैं ले जाऊँगा, ये चला जाएगा बाइक पर, बाइक पर नहर ले जाऊँगा, मगर पापा जी ने बोला कि गड्डी और ले जा, तो भाई कुछ धर के भी नहीं ले चांद पर, सच में टकली में जाए ये पूरा छिदरा है, क्योंकि मोटे मोटे गड्ढी लेना है, टकली फूट गई सच में। ओ भाई देव गोपाल देव देखो आज चांद पर जो गटरा फट गया देख सकते हैं, एक ये गटरा, एक ये गटरा, गाय 2-3 गटरा पड़ गए सत्यम, देखिए टकली फूट गई, देखो गोपाल देख गटरा पड़े, देखिए कुछ लेके नहीं गया, और पापा जी बाकी पूरा के गाय निशान बन गए, देखो हल्के। तो गाय दोनों भाई देखो रोटी खा रहे हैं, टकली फूट गई फूट गई, ओए रोटी फेंकते नहीं है, खा लो, चलो वो तेरे को दे दे वैसे जाओगे तो जाओ दोनों जय पिल्ला। अच्छा कहाँ जाओगे नहाने? टूमल पे। तो गाइस सत्यम बोला है कि पापा जो टूमल पे, टूमल पे अभी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है यहीं बनाएंगे हमारे पे अपनी पा लाइट आ जाएगी तब, नहीं तो टैंक से नहा, ठीक है। तो गाइस सत्यम को जो नहा देते हैं सुबह सुबह, मैं भी नहा लेता हूँ, क्योंकि हमने जो फारा काम कर दिया तो चारा भी कूट के डाल दिया अपनी मुन्ना के लिए, अपने छोटे मुन्ना के लिए, मुन्ना के लिए चारा खवाना, ठीक है खवाओगे? तो गाइस सत्यम जो है अब देखो पिटने की ओर जा रहा है, बोला है पापा तो बारिश में नहाओगे, तो कितना बारिश में नहाएगा, रोज रोज बारिश में बोलता है, रोज बारिश पड़े, रोज बारिश पड़े, ये क्या हो रहा है? पता नहीं टकली पूछे करते ना, नहीं पूछे कर टकले गाय टकले पुच्ची करती सब ना, दो के मस्त रेडी हो गए, अब खाते हैं गाय खाना, अभी दोपहर के बज रहे हैं गाय 11:30, और सत्यम क्या कर रहा है आपको दिखाता हूँ, क्या हो रहा है भाई उल्टा क्या कर रहा है, ये कौन सा स्टैंड है, ये क्या है, कौन सा आसन है सत्यम, ये चोट नहीं लगेगी, चोट लग जाएगी अगर थोड़ा नीचे, सब खाते हैं खाना, खाने में क्या है आज देख सकते हैं, ये सत्यम जानता है क्या है माले में, क्या है रोटी, ये रोटी नहीं है फटा है, ये पेप्सी है गाइस, क्योंकि आपके मुन्ने की पेप्सी है, मुन्ना का जन्म हुआ है उसका पेप्सी है, ठीक है। और गाइस इसमें क्या है, ये गाइस पूरा ही पेप्सी है, इसमें क्या है पराठे हैं, इसमें क्या है गाइस कटहल की सब्जी बनी आज, हाँ क्या बात है क्यों रो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, कटहल की सब्जी बढ़िया सब्जी है ना, अच्छी लगती, सूखी रोटी खाएगा खाली भाई सत्यम बोल रहा है, देखो सूखी रोटी खाऊंगा और ये कटहल नहीं खाएगा, पता नहीं क्यों नहीं खाया, बहुत सी चीज़ नहीं खाता, देखो टमाटर नहीं खाता, ये प्याज भी नहीं खाता है, सब्जी में या किसी में चीज़ में निकल के आ जाए,
और वहाँ मोमोस में तो खा लेता है, होटल पे जाएगा तो खा लेगा काय पनीर के साथ, है तो बहुत जल्दी खा लेता है।